हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मंडी न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे गुनीत पैत्रो के बारे में और एवेंजर एंड गेम के बारे में, एक छोटे से बैड अपडेट के बारे में। तो ये बैड अपडेट है, गुनीत पैत्रो ने ऑफिशियल खुद कंफर्म करा है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिटायरमेंट ले रही है, लीव कर रही है, यानी कि वो ऑफिशियली इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को छोड़ रही है। अब उन्होंने रीजन तो नहीं बताया, या तो एज फैक्टर हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि गुनीत पैत्रो एके पेपर पॉट्स ये एक बहुत ही अहम कैरेक्टर है आयरन मैन सीरीज के लिए, एवेंजर सीरीज के लिए, और पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद है। और देन आप जानते हो कि आयरन मैन के जो करीबी कैरेक्टर है वो पेपर पॉट्स और हैप्पी है। तो अगर ये रिटायरमेंट ले लेंगी तो शायद एवेंजर एंड गेम में बहुत ही बड़ा स्पॉइल होने वाला है, शायद ये आगे इन फ्यूचर ना रहे। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जो इनका कैमियो है, जो इनका सीन है, वो शायद एक फ्लैशबैक हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी गुनीत पैत्रो ने जो इंटरव्यू में बोला है कि मैं एवेंजर एंड गेम के बाद रिटायरमेंट ले लूंगी, तो 100% स्पाइडरमैन भी एक फ्लैशबैक हो सकती है मूवी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।